वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बस्मिल है कैसे हैं जनाब आप सब उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे हंस मुस्कुराते होंगे और मेरे साथ होंगे वेलकम कहूँगी आप सबको कुकिंग इंग्लिश स्टाइल में जी जनाब आज हम बना रहे हैं कश्मीरी कहवा यह कहवा जो भी आप बोलते हैं इसको बहुत ही टेस्टी है बहुत ही मज़ेदार है इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं कि सिर्फ चंद हैं ठीक है ठीके? और इसमें चाय की पत्ती नहीं डलती है चाहे आप ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं चाहे ब्लैक टी का आप कहवा पे जो है वो पीना पसंद करते हैं कोई भी एक पत्ती इसमें नहीं जाती है लेकिन फिर भी इसका इतना खूबसूरत कलर और इतना ज़बरदस्त साइका होता है कि आपने भूल जाना है तमाम जो भी कहवे की रेसिपीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उन तमाम को ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है ठीक है जी तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में इसके सबसे पहले मेरे पास शुगर है मैं दो कप बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे टू टेबल स्पून शुगर ली है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं पाँच से छः बादाम हैं चार से पाँच हरी इलायची हैं दो की स्टिक्स हैं और ये चंद रेशे कुछ रेशे हैं ज़ाफरान के ठीक है ये इसमें मस्ट है तो ये चार से पाँच छः रेशे इसमें जाएंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाता है ठीक है यहाँ पे जो शुगर है टू टेबल स्पून टू कप्स के हिसाब से है आप थ्री भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं जितनी जितना मीठा आप पीना पसंद करते हैं ठीक है जी पानी हमने इतना डालना है दो कप हम बना रहे हैं तो तीन कप हम पानी डालेंगे चार कप बना रहे हैं तो पाँच कप पानी डालेंगे ठीक है जी साथ ही हमने शामिल कर दी है हरी इलायची और दालचीनी की स्टिक्स और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ाफ़रान और इसको हम कवर करके कुक करेंगे कि अच्छे खासे इसमें हमने पाँच से दस मिनट बॉईल देने हैं ठीक है थीके? अच्छे से इसको बॉईल देने के बाद यहाँ पे आप देखें ये अच्छे से बॉईल हो चुका है इलायची से आपको अंदाज़ा और कितनी अच्छे से फूल गई है मीनस कि यह अच्छा खासा कुक हो चुका है अब हम इसमें शामिल करेंगे ये चीनी और बादाम जिसको मैंने हाथों से ही मोटा मोटा तोड़ लिया है कोई इसको स्पेशल चॉप करने की ज़रूरत नहीं है हाथों से मोटा मोटा तोड़ लिया और इसको शामिल कर दिया और अगेन मैंने इसको कवर कर दिया ताकि बादाम का जो टेस्ट है वो अच्छे से निकल के आ जाए ठीक है जी अगेन फाइव मिनट्स के लिए मैंने इसको कुक किया अच्छे से बॉईल किया तमाम चीज़ों का फ्लेवर निकल के आ गया और क्वांटिटी जो है वो टू कप्स रह गई एक कप पानी खुश्क हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर फिर हमारा कहवा जो है वो तैयार हो चुका है इसको जब आप सर्व करेंगे तो पहले कप्स में मैंने अगेन बादाम एक एक बादाम सिर्फ हाथों से तोड़ के मोटा मोटा डाल दिया है और फिर हम ये कैवा इसमें शामिल करेंगे लेकिन इसको हम स्टेनर से स्टेन नहीं करेंगे जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं वो इसके साथ ही जाती हैं कप्स के अंदर ठीक है इलायची दारचीनी बादाम तमाम चीज़ें ये देखिए मैं दोबारा उसमें से निकाल के स्पून के साथ इनमें डाल रही हूँ तमाम चीज़ों को हमने साथ ही शामिल कर देना है इनके अंदर ठीक है जी तो ये है बहुत ही मज़ेदार सा बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कश्मीरी कहवा इसका जो कलर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्ती ना डालने के बावजूद इसका कितना खूबसूरत कलर है कि देख के ही जो है ना वो बस मज़ा आ जाता है और सबसे ख़ास बात कि इसके क्रिस्टल क्लियर कहवे के अंदर जो हमें नज़र आ रहे हैं ना दार्जिलिंग के स्टिक्स और बादाम पड़े हुए उसकी जो लुक है उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता इतना ख़ूबसूरत है और बिलीव मी कि इसको पीने से आपने इसके दीवाना हो जाना ये इतना टेस्टी कहवा बनता है ठीक है जी तो ज़रूर ट्राई किया करें अपनी सकाफत को अपने कल्चर को अपनी कुजीन्स को ठीक है तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी पसंद तो आएगी ही इन और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें इनशाला एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी टिल दिन अल्लाह हाफिज़